नमस्कार, मैं हेमराज सेन और आप देख रहे हैं रियल राजगढ़ टीवी। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रजापति समाज धर्म जागरण रथ यात्रा पूरे विश्व भर में प्रारंभ होने जा रही है, जिसका समापन महाकुंभ प्रयागराज त्रिवेणी संगम में मकर संक्रांति पर होगा। प्रजापति समाज के महामंडलेश्वर संतों द्वारा प्रजापति समाज के संत शिरोमणि श्री यादव माता को राष्ट्रीय संतों का दर्जा प्राप्त दिलाने को लेकर अब समाज भर के लोग विश्व भर में श्री यादव माता की रथ यात्रा निकाल कर समाज के साथ देश भर को संदेश देने जा रहे हैं। वहीं महाकुंभ में प्रजापति समाज संगठित होकर संत शिरोमणि श्री यादव माता को राष्ट्रीय संतों में शामिल करने की मांग को लेकर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएगा, जिसको लेकर महंत स्वामी राम नारायण जी महाराज द्वारा प्रदेश के तहसील स्तर तक प्रजापति समाज के लोगों के साथ विचार विमर्श कर राजगढ़ जिले में 15 से 20 नवंबर 2024 5 दिनों तक चलने वाली रथ यात्रा की आगामी तैयारियों को लेकर नरसिंहगढ़ तहसील अंतर्गत आने वाले भीलखेड़ी जोड़ पर यह रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर रणनीति तैयार की गई। साथ ही प्रजापति समाज के महंत रामनारायण महाराज के आगमन पर समाज बंधुओं ने आत्मीय स्वागत किया। समाज की धर्मगुरु है, उसी को लेकर के हम पूरे भारत के अंदर प्रजापति समाज को लेकर के हम जा रहे हैं और प्रजापति समाज को धर्म का संदेश देते हुए रथ यात्रा का जो उद्देश्य है, रथ यात्रा संत शिरोमणि श्री यादव माता प्रजापति समाज धर्म जागरण रथ यात्रा का जो गुजरात से प्रारंभ होकर के परम पूज्य गुरुदेव सेवानंद जी महाराज के आश्रम से ये रथ यात्रा प्रारंभ हुई है और गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और होती हुई राजगढ़ जिले में भी ये 15 तारीख से प्रवेश करेगी। तो रथ यात्रा प्रत्येक तहसील स्तरों पर जो बड़े गाँव हैं वहाँ पर होती हुई प्रजापति समाज के अंदर में धर्म की स्थापना हो, प्रजापति समाज संगठित हो, प्रजापति समाज के अंदर शिक्षा का प्रचार हो, इसको लेकर के और सभी संत प्रजापति समाज के अंदर जाकर के और श्री यादव माता को, इसका मुख्य उद्देश्य है कि ये यात्रा हमारी महाकुंभ प्रयागराज तक पहुंचेगी। गत 4 महीनों से यात्रा चल रही है और ये रथ यात्रा जनवरी माह में जो कुंभ लगने वाला है प्रयागराज में वहां पहुंचेगी। जिस प्रकार से सभी सनातनी अपने संत महात्मा है अपने अपने धर्म ध्वजा की स्थापना महाकुंभ में करता है, ऐसे ही प्रजापति समाज भी, पूरे भारत का प्रजापति समाज अपनी धर्म गुरु संत शिरोमणि श्री यादव माता और संत गोराजी महाराज की धर्म ध्वजा की स्थापना महाकुंभ के अंदर में करने वाला है। उसी को लेकर के और अपने 31 जनवरी 2025 को श्री यादव जयंती महापर्व मनाया जाएगा। पूरे भारत का प्रजापति समाज महाकुंभ में इकट्ठा होगा और सैकड़ों की संख्या में वहां पर इकट्ठा होकर के 31 जनवरी को श्री यादव माता को एक संत के रूप में त्रिवेणी में हम स्नान कराएंगे और उसके बाद में हम सभी संतों से अनुरोध करेंगे कि श्री यादव माता को राष्ट्रीय संत का दर्जा मिलना चाहिए और प्रजापति समाज की एक तिथि घोषित होनी चाहिए, क्योंकि प्रजापति समाज एक सनातनी समाज है और उसने भी और उनके संतों ने भी बहुत सारा योगदान अपने भारतवर्ष में अपनी हिंदू संस्कृति के लिए दिया है। जिस प्रकार से दिवाली महापर्व मनाया जाता है तो प्रजापति समाज के ही द्वारा हर घरों में दीपक पहुंचाए जाते हैं और ये प्रकाश का जो पर्व है ये प्रजापति समाज को ही हम लेकर के चल रहे हैं। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि प्रजापति समाज सभी समाज के काम आने वाला समाज है, प्रत्येक न्यातियों काम आने वाला समाज है और बहुत सरल और सीधा समाज है, इसलिए इसको भी अपना अस्तित्व प्राप्त हो और धर्म का जागरण और धर्म को जागरण को लेकर के हम सभी संत महात्मा समाज के अंदर जा रहे हैं और सभी समाज में सभी जगह पर सभी समाज के लोग इस रथ यात्रा का बहुत स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। इसीलिए हम अभी कुछ चर्चा करने के लिए हम आए हैं अपने भीलखेड़ी जोड़ पर, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं डॉक्टर साहब और उनकी पूरी टीम, हमारे सरपंच साहब वगैरह सभी लोग खड़े हैं और उन्हीं से हमने इस बारे में चर्चा करी है और इस जिले का दायित्व, इस क्षेत्र का दायित्व उनको हमने दिया है कि पूरी टीम उनके साथ खड़ी होकर के इस कार्य को संपन्न कराने का प्रयास करें। आप सभी को जय माता दी, जय श्री यादव माता। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।